क्या पता लोगों के मामले के कम होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में ऐसे क्राइम ना हो ऐसी उम्मीद की जा रही थी, फिर भी दो नए शिकार हुए। पुलिस क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मेरी बारी है। वो है जो शरीर को जिंदगी के आखिरी दिन तक ताकत देता है। रहस्य जो है वो मौत तक छुपा रहना चाहता है। वैम्पायर की दुनिया में खून और रहस्य के एक ही मायने हैं। खून में कहानियों के अनुभव, मनोभाव और एक वैम्पायर के रहस्य छुपे होते हैं जब तक उसका जीवन अमर रहता है। वैम्पायर्स अपने खून को सबसे खास चीज की तरह रखते हैं। खून को गंवाना मतलब रहस्यों का खुलासा हो जाना। ये रोसरिन नाम की एक वैम्पायर का 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के ग्रुप से बहुत कुछ जुड़ा है वो शहर है बैंकॉक। Thank you.
हेलो, कीबोर्ड बेच रहे हो क्या? दिखाइए। ये वाला कीबोर्ड चाहिए? हाँ, ठीक चलता है ना? अरे अच्छा कीबोर्ड है, गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। रोज बेचता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत हुई तो वापस कर देना। श्योर श्योर, ठीक है। इसमें डिस्काउंट तो मिलेगा ना? इतना सस्ता है, अब इसमें क्या डिस्काउंट दूँ? कितना सस्ता है? 500 रुपये। ये हुई ना बात। दिखने में तो अच्छा लगता है, काम भी बहुत अच्छा करेगा। फिर मिलते हैं। ओके बाय। यही है, यही वो लड़का है जो स्केचिंग करता है। हाँ। तुम्हें पता तो है ना, ये काम इतना आसान नहीं है। हाँ। हमें एक्यूरेसी चाहिए। हाँ, मुझे पता है। अगर बस स्केचिंग करनी है तो मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। ए, तुमने कहा बस स्केचिंग? अभी तुम्हें एक ही दिन हुआ है, तुम्हें और बेहतर करना होगा। देखो, जब हमें सही सुराग मिलेंगे तभी हम अच्छे से क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे। तुम इतना लाइटली मत लो। ये कैसा है? ये है दूसरा प्राइस। मैंने इन दोनों को बैग से बाहर भी नहीं निकाला। ओके, ठीक है, तो फिर शुरू करो। हाँ, जल्दी करो जल्दी। तो जैसा तुम पहले बता चुकी हो, हाँ, तो वो लगभग 20 साल से कम का है ना? उसकी उम्र लगभग इतनी ही होगी। हाँ, सही कहा। और उसके बाल कैसे थे? उसके बाल बहुत उलझे हुए थे, लंबे लंबे। और अच्छा? यहाँ, हाँ सर, बहुत ही लंबे बाल कंधे थे, तक थे। कंधे तक। और उसकी आंखें कैसी थी? उसकी आंखें एकदम काली थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी या फिर उसकी आंखों के घेरे भी काले थे? मेरा मतलब कि जैसे ठीक से ना सोने वालों की होती है या ड्रग एडिक्ट की होती है। थकी सी आंखें थी सर। और उसकी गंध कैसी थी? ये क्या कुछ भी पूछ रहा है? कोई पिंपल था क्या? शायद पिंपल तो नहीं थे, लेकिन हाँ, उसकी गर्दन पे बाईं ओर यहाँ पे एक निशान था, बिल्कुल डार्क। तुम्हें याद है कि उसका आकार किस तरह का था? एक ग्रिल जैसा, स्क्वायर के आकार का ग्रिल। बस हो गया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सार्जेंट। खैर, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, मुझे लगता है कि वो चोर बहुत ही चालाक किस्म का है और हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। उसने जो चुराया है वो है कोर i7, या हम उसे हाइपर रेजर कीबोर्ड भी कह सकते हैं। उसके बारे में कुछ लोग ही जानकारी रखते हैं, और उसके उलझे हुए बाल और उसके शरीर की गंध, ऐसा लगता है कि वो अपना ख्याल नहीं रखता होगा। आगे बताओ। मुझे लगता है कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन या फिर कोई गेमर होगा। वो एक बेरोजगार गेमर हो सकता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको गेम सेंटर जाना चाहिए। सबसे तेज इंटरनेट वहीं होता है। गेमर लोग इंटरनेट की स्पीड पर हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वहां जाकर कोशिश करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही एक पुलिस वाले हो, क्यों? सही कहा ना? मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। एक्चुअली मुझे भी गेम खेलना बहुत पसंद है ना। ओके ओके ओके, ये लो, ये तुम्हारी फीस है। मैं तुम्हें काम के लिए दोबारा बुलाऊंगा। जी शुक्रिया। ओके, तुम जा सकते हो। हाँ, ओके, नहीं तो लेट हो जाओगे। ये भी अपने साथ ले जाओ। हाँ बिल्कुल। जरा देखा ना, एकदम परफेक्ट बनाया है। टैलेंटेड है। हेलो सार्जेंट, वो स्केच वाला आदमी यहाँ ब्रिज के पास एक गली के कोने में मुझे दिखाई दिया है। हाँ जी, हाँ जी। कौन है बे तू? मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक कीबोर्ड चोर हो, है ना? ए, मुंह बंद रख, मेरा पीछा मत करना। ए रुक,
मुझे तेरा टैटू अच्छी तरह याद है, अभी सरेंडर कर। तुझे मैं चोर दिख रहा हूं? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाता हूं। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता आप मुझे कितना जानते हैं। मेरा नाम है अमन, मैं एक आईटी वर्कर या यूं कहें कि मैं एक टेक्नीशियन हूं। मुझे एक ऑफिस कंप्यूटर टेक्नीशियन कहना ज्यादा सही रहेगा। मैं उलझनों में पढ़ता रहता हूं, मैं चित्रकारी में अच्छा हूं, आसपास की चीजों का ध्यान रखता हूँ, कहानियों को जोड़ने में माहिर हूँ। मैं अपनी ऐसी बोरिंग लाइफ में भी रोमांच ढूंढ लेता हूँ, और ये भी एक ऐसी उलझन थी जिसने मुझे रोमांचित किया, भले ही ये थोड़ा बहुत खतरे से भरा हुआ था।